हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रेडमी नोट 5 प्रो अनबॉक्सिंग। ये है इंडिया का सबसे नंबर वन मोबाइल, जो ब्रांडेड और सेलिंग में बहुत अच्छा मोबाइल है। तो आप इसको परचेस करना चाहते हो तो नीचे लिंक दे दूँ, वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और डब्बे को खोलते हैं। तो यहाँ पर मैं डब्बे खोलता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर मोबाइल मिल जाता है रेडमी नोट 5 प्रो, और ये है गोल्डन कलर। और इसके साथ में मुझे मिला है एक केसेस कवर, जो बहुत ही अच्छा कवर है। आपके गिरने मोबाइल गिरेगा तो आपके मोबाइल को सेव करके बचा लेगा। और ये है मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड बहुत अच्छा है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन पूरा मिल जाता है क्या है क्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, मोबाइल को पाते हैं। ये है मोबाइल, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो बैक पीछे की तरफ आपको ड्यूअल कैमरा मिल जाता है, जो है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल LED फ्लैश लाइट। और नीचे आपको फिंगरप्रिंट्स मिल जाता है, स्कैनर। तो आपको वॉल्यूम बटन भी साथ में मिल जाएगा, नीचे पावर बटन है, आपको एक ही साइड में मिल जाता है। नीचे लिखा है पावर बट एंड्रॉयड, तो ये एंड्रॉयड वर्जन है, बट इसमें आपको ओरियो वर्जन देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ 5.mm हेडफोन जैक और माइक आइक मिल जाएगा आपको, स्पीकर। और ऊपर की तरफ आप यहाँ से टीवी अपना कनेक्ट कर सकते हो, रिमोट के ऐसा चला सकते हो। तो मैं मोबाइल को खोल लिया हूँ यहाँ पर, तो देखिए कितना स्मूथ मोबाइल चल रहा है। और यहाँ पर मैं पबजी को डाउनलोड करके रखा हूँ, जो आपको आगे बताऊँगा। तो कैमरे पे आते हैं, कैमरे की जो क्वालिटी है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्वालिटी इसकी। 12 मेगापिक्सल। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट मतलब आपका जो पोर्ट्रेट ऑप्शन आएगा उसमें ब्लर ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं ब्लर कर रहा हूँ और ये एक फ़ोटो खींच लिया हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो जो फ़ोटो है जो वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बाजू का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया। तो ये फ़ोटो जो है मेरे दोस्त की है। और फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो आपको कुछ 20 मेगापिक्सल इसमें मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी है और सेल्फी लेने के लिए आपके काम आ जाएगी। तो अगर इसकी स्टोरेज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 32 GB और 3 GB रैम के साथ में। और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन भी है जो ओरियो है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ओरियो एंड्रॉयड वर्जन के साथ में। तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है फ्रेंड्स, अगर आपको परचेस करना है तो नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप परचेस करते हो। और ये सेल आउट नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। 3 GB रैम है और 32 GB स्टोरेज है, तो आपको इसमें ये सब देखने को मिल जाता है इस मोबाइल में। और अगर गेमिंग की बात करूँ तो मैं आपको गेम खेल के दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा फ्रेंड्स, 195 MB का एक फाइल है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको YouTube चला के भी दिखा देता हूँ इसको YouTube पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक सर्च कर लेता हूँ अपने चैनल का नाम, और क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ स्पीकर भी। तो ये मैंने सर्च कर लिया अपना नाम, TQ हेल्प चैनल, और ये आ गया है। अब इसमें से कोई वीडियो प्ले कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो की क्वालिटी। तो ये देख सकते हो क्वालिटी है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी देता है मोबाइल में। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिटी बढ़ा भी सकते हो, और वीडियो को जूम करना है तो आप जूम भी कर सकते हो यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप जूम कर सकते हो वीडियो को। और ये है इसका स्पीकर, जो बहुत ही अच्छी आवाज़ है, और स्पीकर में आवाज़ भी इसमें ज़्यादा मिल जाता है आपको। तो अब बात करता हूँ इसके कुछ नए फीचर्स के बारे में, जो आपको अपग्रेड मिलेंगे। तो इसमें आपको स्वाइप का भी ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं इसके लॉक की बात करता हूँ, जो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो लॉक में आपको फेस लॉक और फिंगरप्रिंट्स मिल जाता है, तो मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको रिमेंबर करना पड़ेगा गेट नाउ, तो मैं गेट नाउ कर देता हूँ। यहाँ पर एक पासवर्ड चुन लेता हूँ, 1 2 3 4, कंटिन्यू करके फिर चुन लेता हूँ 1 2 3 4, ओके। और ये है लॉक का पासवर्ड, फिंगरप्रिंट्स। इसका फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं अपना
फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिया हूँ। अब यहाँ से मैं अपने मोबाइल को ऑफ़ करता हूँ, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स खाली ऑफ क्या उतनी जल्दी खुल जाता है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए फ्रेंड्स जरा सा टच और सामने आप लॉक देख सकते हो खुल गया है, ये देखिए टच किया खुल गया। तो बहुत ही अच्छा इसका फीचर है। और फेस लॉक की बात करूँ तो मैं आपको फेस लॉक भी बता दूँगा इसमें कैसा है। तो यहाँ पर मैं अपना 1, 2, 3, 4 लॉक खोल लेता हूँ, ये है इसका फेस लॉक। तो फेस लॉक डालता हूँ मैं अपने मोबाइल में, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सेकेंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकेंड लग गया, सक्सेसफुल हो गया यहाँ पर। तो इसका फेस लॉक जो है एकदम सिक्योरिटी के साथ में है, ये अपनी आईज़ की वजह से खुलेगा, फेस की वजह से नहीं। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, इसमें आपको आईज़ से भी बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अपने आप से खुल गया है फेस लॉक, खाली पावर बटन दबाना पड़ता है, इसके बाद में खुल जाएगा अपने आप ही। तो इसमें फेस लॉक जो है बहुत अच्छा दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।